कुछ नहीं, ये कमजोरी है और ये खाने पीने की लापरवाही की वजह से हुआ है। थैंक गॉड डॉक्टर ने कुछ और नहीं कहा। नहीं डॉक्टर साहब, आप अलका का ब्लड टेस्ट कर लीजिए, इसकी तबीयत देखे ना, बार बार खराब हो जा रही है इन दिनों। पता नहीं इसे क्या हो गया डॉक्टर साहब, ना कुछ खाती है ना पीती है और ना कुछ ये बताती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये पहले भी कई बार इसी तरह बेहोश होकर गिर चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, खून की जांच से ये तो पता चलेगा ना कि परेशानी क्या है। हाँ देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची को बहुत दिन से तकलीफ है। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं अलका तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। और क्या, और तू इस घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू भी है, तेरी जिद ऐसे ही नहीं चलने देंगे हम। डॉक्टर साहब, जो भी टेस्ट होंगे अब कीजिए। ठीक है, मैं ब्लड सैंपल ले जाता हूँ, शाम तक इसकी रिपोर्ट भिजवा दूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं आके आपके क्लिनिक से ले लूंगी रिपोर्ट। पूजा, मैं शाम को उस तरफ जा रहा हूँ किसी काम से, तो लौटते वक्त मैं रिपोर्ट लेता हुआ आऊंगा। ठीक है, मैं ब्लड सैंपल ले लेता हूँ। गली में हम बहुत ही अच्छी साइट है, आप एक बार प्लीज चल के देख लीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या, इतनी उम्र हो गई है और अभी तक ठीक से चलना भी नहीं आता। समझ में नहीं आता दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। छोड़िए ना मैडम, चलते हैं आगे बढ़िए, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है छोटे लोगों के, चलिए प्लीज। एक मिनट, आपको एक तो इस बूढ़ी औरत का मटका तोड़ दिया, ऊपर से इन पर ही चिल्ला रहे हो। चलिए इनके मटके के पैसे दीजिए। ओहो, तो ये नया धंधा है लोगों से पैसा वसूल करने का। बाय द वे, ऐसे कितने उल्टे सीधे धंधे हैं तुम्हारे लोगों को परेशान करने के। जिसके गरूर ने उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी हो ना, से क्या बात करूं मैं। अपनी गलती को दूसरों की कमाई का धंधा कहते हुए आपके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। चलिए माफी मांगिए इनसे। माफी माय फुट, ये मदर टेरेसा बनना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगी तुम। मेरी फिक्र तो आप छोड़ ही दीजिए नैना जी, आप अपनी फिक्र कीजिए। वो क्या है ना, बचपन से मुझे मदर टेरेसा बनने का बहुत शौक है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना ही होगा आपने, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ आपसे। बहुत लंबी जबान होती जा रही है तुम्हारी, हमसे एक केस क्या जीत गई, खुद को हमसे ऊपर समझने लगी। ऐसा ही कुछ सोचती हूँ मैं, जब से मैं एक केस जीती हूँ ना, मुझे यकीन हो गया कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। भोलेनाथ जी की भी इतनी कृपा है कि मेरी जो चीज होती है ना वो मुझे मिल ही जाती है। अब फैक्ट्री को ही ले लीजिए, आपने उसे हड़पने की कितनी कोशिश की, कितनी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो फैक्ट्री मेरे पास है। है ना तुम्हें अपनी मानवता और सो कॉल्ड नेकी पर, देखना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। अंजलि का जैसवाल। नैना जी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। हुँ?
भगवान तेरा भला करे मेरे बच्चे। चलिए आपके लिए दूसरा मटका ले लेते हैं, आइए। झुमके दीदी। हाँ दीदी। कैसे चल रहा है काम? सब ठीक चल रहा है दीदी। दिखाना। रंग चढ़ने देना। हूँ जी दीदी। मुझे कुछ बात करनी है। आइए नेहा दीदी, पुष्पा, ललिता, आना तो जरा। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं ना, गिरने के डर से अगर हम घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे तो हमें कभी घुड़सवारी नहीं आएगी। बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमें अपनी फैक्ट्री की शुरुआत फिर से करनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। हाँ जरूर। जी दीदी। जी दीदी। चलिए काम करते हैं। ठीक है दीदी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चाहकर भी अज्जू का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी? उसे तकलीफ देता हूं तो खुद को भी तकलीफ होती है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है तेरे पास? अगर थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा ना तो अज्जू को अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल पाएगा। यही बेहतर है कि मैं दूर ही रहूं उससे। यार युवराज। यस दी। अरे बैठो बैठो, ये लो। ये क्या है? ये अज्जू के फैक्ट्री के पेपर्स हैं। हमने उस लड़की को जमीन ही वापस कर दी है और अपना कोर्ट केस भी वापस ले लिया है। इस फाइल में हमारी कोर्ट में भेजी गई वो एप्लीकेशन भी है। इफ यू वांट प्लीज चेक इट। कम ऑन दी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। आप ये फाइल अकाउंट्स में बंसी जी को भिजवा दीजिए, मैं उन्हें एड्रेस बता दूंगा। युवराज, हम सोच रहे थे कि अज्जू से ये लड़ाई हमने शुरू की है तो इसे खत्म भी हम ही करेंगे। बस एक दो दिन में हम ये पेपर सज्जू को खुद दे आएंगे। इफ इट्स ओके विथ यू। या जैसा आप ठीक समझे। देर हो गई, आलाप अभी तक नहीं आया। उसे डॉक्टर के पास से रिपोर्ट भी तो लानी है। पूजा, आलाप तुम कहां रह गए थे? ये नकली रिपोर्ट लेने के लिए गया था, बन चुकी है। लेकिन ये कहां से मिली? मेरा एक दोस्त है, उसकी मदद से। अच्छा लाओ ये। मैं रमा जी। रमा जी, माँ जी, ये फल फ्रिज में रख दीजिए। अब सुनिए, मैं डॉक्टर साहब से रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। वो मैं यूनिवर्सिटी रोड गया था ना, तो लौटते वक्त मुझे अपने डॉक्टर का क्लिनिक दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही रिपोर्ट लेता चलूं, बेकार में आलाप को परेशान। अलका, इसमें डॉक्टर साहब ने जो भी लिखा है तुझे मानना पड़ेगा। ये बहुत हो गया तेरी अपना सेहत के साथ खिलवाड़। आप रिपोर्ट पढ़ के सुना दीजिए ना, हमें भी तो पता चले इतने दिनों से अलका को हुआ क्या है।
नींबू पानी पीजिए ना। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ता हूँ ना। लिखा है अलका को अनीमिया मतलब खून की कमी है, इसलिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए और आराम करने की सख्त जरूरत है। रमा जी, हमें खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज से इसके खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी। अलका, ये डाइटिंग वाइटिंग ना सब बंद तुम्हारी। हाँ, बिल्कुल बंद। को क्या हो गया? अच्छा भला तो था, फिर अचानक इसे क्या हो गया? अब तक तो इसे मेरा मिस्ड कॉल भी मिल गया होगा, फिर ये फोन क्यों नहीं कर रहा मुझे? है, मैं उसे एक बार फिर फोन करती हूँ। बड़े क्या है पता? दीदी, हाँ? बाहर कुछ गरीब बच्चे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मुझसे क्यों? आप ही चलकर देख लीजिए ना। चलो। कौन है आप लोग और आप लोगों को क्या काम है मुझसे? दीदी, कुछ भी काम दे दो दीदी, बहुत भूख लगी है, दो दिन से कुछ नहीं खाया दीदी। लेकिन मैं आप लोगों को क्या काम दे सकती हूँ? झाड़ू पोछा साफ सफाई जो बोलेंगे वो करेंगे दीदी, कुछ काम दे दो दीदी। देखो, तुम लोगों की उम्र अभी काम करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई की है। दीदी, यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो पढ़ाई के लिए कहाँ पैसे आएंगे दीदी? तुम लोगों को भूख लगी है ना, चलो मैं तुम लोगों को खाना खिला देती हूँ। दीदी, आज तो आप खाना दे देंगे मगर कल कौन देगा हमें दीदी? कुछ काम ही दे दो दीदी। लेकिन आप लोगों की उम्र नहीं है ये काम करने की, मैं आप लोगों को कैसे काम दे सकती हूँ? दीदी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं दीदी, हमें यहाँ से मत भगाओ दीदी, हमारी मदद करो दीदी। उठो, देखो रो मत। तुम तीनों को काम करना है ना? ठीक है, मैं तुम लोगों को काम ढूंढ के दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप लोग रोज रात को पढ़ाई करेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। दिन में आप काम करेंगे और रात को आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलो आओ, आप लोगों को भूख लगी है ना, मैं खाना खिलाती हूँ, आ जाओ। बाल बाल बच गए आज तो। अगर घरवालों के हाथ में ये रिपोर्ट लग जाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। खैर, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना। अलका, तू आराम कर, इतना सोचेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जाकर ये रिपोर्ट चला देता हूँ। क्या सोच रही है अलका? नहीं, कुछ नहीं। देख अलका, हम सब तेरे साथ हैं, इस मुसीबत से हम साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तू एक वादा कर कि तू अपने आप को जरा सी भी तकलीफ नहीं देगी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचेगी। क्योंकि अगर तुझे या इस बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो हम अपनी ये लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएंगे।
इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तू अपने आप को सजा नहीं देगी। तू खुश रहेगी, अपने इस बच्चे के लिए रहेगी ना। जी मैडम, आपका काम हो गया है, बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, अब भूल जाओ कि तुमने हमारे लिए ऐसा कोई काम किया था, क्योंकि अगर गलती से भी हमारा नाम आया तो तुम्हारा नाम इस दुनिया से हमेशा के लिए हट जाएगा। जी मैडम। मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी मानवता और अपने नेक इंसान होने पर। तो आज तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारा इतना बुरा करने वाली है कि तुम सपने भी नहीं सोच सकती। अच्छा, पहले तो हम तुम्हें सिर्फ युवराज की जिंदगी से अलग करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ने हमारे खिलाफ जो सड़क पे जहर उगला है, उसके बाद हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अब हम तुम्हारा वो हश्र करने वाले हैं कि तुम अपने आप से पनाह मांगती नजर आओगी। You just wait and watch. I have some great plans for you, Ajju. Anjali ka jaiswal, land case file.